नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आज मैं आपको दिखाऊंगा आरओ की होम सर्विसिंग। मेरे घर का आरओ का एक फिल्टर खराब हो गया है, वो लीक कर रहा है, तो मैं उस फिल्टर को चेंज करूंगा, साथ में मैं आरओ की फुल सर्विस करूंगा। सर्विसिंग किट मैं लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप घर पर अपने आरओ की सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं सस्ते में। देखते रहिए। तो देखिए, ये मेरा आरओ है, साथ में ये सर्विस किट है जिसमें दो कार्बन फिल्टर हैं, एक सेडिमेंट फिल्टर है और एक मेम्ब्रेन है। इसके साथ में रखे हैं एल शेप के कनेक्टर्स और दो ये आउटर कनेक्टर्स हैं, और साथ में है 2 मीटर पाइप, एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर और टेप। अब मैं ये सारा सामान साइड में रखकर आपको दिखाऊंगा कि आरओ की रिपेयरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे हम। अब हम इसे ओपन करेंगे, ये 2 स्क्रूज निकालने हैं। ये आरओ डॉल्फिन टाइप आरओ है, ये इसमें कार्बन फिल्टर है, ये भी इसमें कार्बन फिल्टर है, ये सेडिमेंट फिल्टर है और ये इसमें मेम्ब्रेन है। पावर अडैप्टर, पंप, फ्लो रिस्ट्रिक्टर के अंदर मैं इसका रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो लूँगा, ताकि अगर मैं बीच में मेरे को कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उस फोटो को कंसल्ट कर सकूँ। पर मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये इसका इनटेक है जो कि वाटर लाइन से कनेक्ट होता है। ये सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर में आता है, सेडिमेंट फिल्टर से ये कनेक्ट होकर कार्बन फिल्टर में जा रहा है, उसके बाद कार्बन फिल्टर से ये इस कट ऑफ वॉल्व से जाकर ये कनेक्ट हो रहा है वाटर पंप से, वाटर पंप से फिर ये कनेक्ट हो रहा है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन में ऊपर, ये ऊपर मेम्ब्रेन से फिर ये निकल कर जा रहा है दूसरे वाले फिल्टर में, दूसरे फिल्टर से ये जा रहा है आउटलेट इस वाटर टैंक में जिसमें ये पानी कलेक्ट होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें मेम्ब्रेन वाले फिल्टर में ये 2 आउटलेट हैं। एक आउटलेट जो है वो जो फिल्टर होने के बाद फिल्टर पानी को बाहर फेंकता है, जिसको हम अपने किचन में सिंक में डाल देते हैं या हम उसे आउटलेट में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वो कनेक्टर है। इसमें ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा हुआ है और फिर ये आउटलेट है, वेस्ट वाटर होता है वो इससे निकालते हैं इस वाले दूसरे वाले आउटलेट से। हम चारों फिल्टर चेंज करेंगे। फिल्टर चेंज करने के लिए हमें सारे पाइप्स वगैरह भी चेंज करने पड़ेंगे, सो अब देखते रहिए मैं वो किस तरीके से करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें पाइप्स की जो कटिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि वो इसी साइज के बने। तो हम जब कटिंग करेंगे पाइप को मेजर कर लेंगे और उसी हिसाब से हम उसे कट करेंगे। देखिए, मैंने अभी अभी एक चीज़ और सीखी अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि इन पाइप्स को हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं, कोई आरओ वाला, बट मैं आपको बता देता हूँ। हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इसे थोड़ा सा ये यहाँ से ऐसे पुश करना होता है अंदर और फिर इसे सिंपल ऐसे खींच के आप निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। ये चीज़ें आप सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप ट्रेंड टेक्नीशियन नहीं हैं। मेरे पास ये वाला कनेक्टर नहीं है तो मैं इसको दोबारा से इस वाले को ही यूज़ करूँगा। तो ये मैंने आरओ पूरा डिसअसेंबल कर दिया है। मैं इस आरओ को अब अच्छे से साबुन से धोऊंगा ताकि इसकी सारी गंदगी साफ़ हो जाए, क्योंकि जब ये पूरा खुला हुआ है तो हम इसे अच्छे से धो सकते हैं। घर में सर्विस करने का ये एक फ़ायदा होता है। आरओ की हमने अच्छे से सफाई कर दी है और आप देखेंगे इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो इधर रस्ट लगा हुआ था वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया ऊपर से अंदर से, इवन हमने इसके वाटर टैंक को भी बहुत अच्छे से सफाई करके, देखिए आगे से भी ये बहुत शानदार हो गया है। इसे हम कर पाए क्योंकि हमने सारा का सारा आरओ खोला था। अब हम इसमें फिल्टर सेट करेंगे। फिल्टर लगाने से पहले हमें कुछ एल्बोस पर द टेप लगानी है, जैसे कि ये वाली। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, वो है ये मेम्ब्रेन को खोलना।
मैंने शायद आपको ये पहले नहीं बताया, पर मेम्ब्रेन को खोलने के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं स्पैनर। देखिए ये कुछ ऐसा होता है। इसे खोलने के लिए हम स्पैनर का ये छोटे वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। काफ़ी सिंपल आसान होता है, इस तरीके से ये खुलता है। जो दूसरा ट्रिकी पार्ट है वो है मेम्ब्रेन को अंदर से निकालना। उसके लिए हम एक प्लायर को यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल हर घर में ये प्लायर होता है, हम इसे यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये इसमें पकड़ में नहीं आ रहा है कुछ। हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसमें देखेंगे मेम्ब्रेन में इधर दो छेद हैं, तो इसमें हम कोई तार अंदर डाल के और फिर हम उसे पुल कर सकते हैं। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस प्लायर से ही उसे निकाल लूँ। ये मैंने प्लायर से ही इस तरीके से ही बाहर कर दिया। मेरे को दोबारा से ये वाला मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करना है, यही कारण है कि मैंने इसे प्लायर से निकाल दिया। अदरवाइज़ ये यहाँ से ख़राब भी हो सकता है। यहाँ से हम नया मेम्ब्रेन डालने से पहले इसकी केसिंग के अंदर से सफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसा ब्रश, बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। नहीं तो आप कोई कपड़ा डालकर, किसी स्केल या वगैरह से अंदर तक कपड़ा डालकर और उसे अच्छे से घुमा सकते हैं, तो ये उससे भी काफ़ी साफ़ हो सकता है। ये चूड़ी वाला कनेक्टर मेरे पास पहले नहीं था, ये मैं लेके आया हूँ। 10 रुपये का एक पड़ा है मेरे को, ये मेरे को 3 लाने पड़े। अब हम इन कनेक्टर्स को और मेम्ब्रेन को उसकी हाउसिंग में फिक्स करेंगे। ये है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, इसे जस्ट पुश करना है मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर। ये वाला एंड अंदर जाएगा। दैट्स इट। ये हमने इसका रबर वॉशर लगा दिया है और हम इसको ऐसे बंद करेंगे और स्पैनर से टाइट करेंगे। ये चूड़ी वाला सबसे पहले इसमें ऊपर जाएगा, ये दो नीचे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़े ढीले हैं तो आप इसमें टेप और लगा सकते हैं। ये सेडिमेंट फिल्टर इधर आएगा, हम ये इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा आउटपुट इधर की तरफ आए। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये ऊपर जहाँ एरो है वो आउटपुट है। ये अच्छी तरीके से फिक्स करें। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे तक जाना चाहिए, ये देखिए ये यहाँ पर नीचे तक जाना चाहिए, जिस तरीके से लगेगा ये। कि कार्बन फिल्टर इधर आएगा, दूसरा कार्बन इधर आएगा। हाथ से ऐसे पुश करना मुझे आसान लग रहा है, आसानी से हो गया। इस तरीके से ये इसकी असेंबली होगी। अब हम इनमें पाइप फिट करेंगे दोबारा से निकाल कर। ये फ्लो वाला निशान है, यहाँ पर इनटेक है या आउटटेक है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो ये फ्लो का निशान है, इन आउट। ये कटआउट वॉल्व से इन इनटेक मोटर का। मेम्ब्रेन का इनटेक, मोटर का आउटटेक, जो हम इसमें से इधर से निकालेंगे इस तरीके से। ये जाएगा
इसमें। अब हमने सबसे पहले जो आसान तरीका मुझे लगा वो ये लगा कि पहले मोटर सेट कर लेते हैं, मेम्ब्रेन का पार्ट सेट कर लेते हैं, वाटर टैंक के लिए जो इनटेक है उसका पाइप सेट कर लेते हैं, ये मेम्ब्रेन का जो कनेक्शन मोटर से है वो हमने इधर से सेट कर लिया। अब हमने वॉल्व भी सेट कर ली है, हमारे सारे वायर्स बाहर की तरफ हमें आसानी होगी ना जोड़ने में। और अब हम ये दो फिल्टर जोड़ देते हैं। इसमें ये इनटेक जाएगा, ये भी सेट है। अब हमारा जो मेन रह गया है ये हमारा इनटेक हो गया इस फाइनल कार्बन फिल्टर का मेम्ब्रेन से। और अब हम आउटटेक के लिए और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से इधर से आ जाएगा। अब केवल हमारा एक पाइप रह गया है जो कि है हमारा वाटर टैंक के इंटेक वाला, उसको हम ऐसे बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से ही सेट कर देंगे। ये हमारे आर ओ के फिल्टर सब सेट हैं, मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स सब जोड़ूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं, मुझे ये वायर्स जो हैं रेड रेड से कनेक्ट करने हैं और ब्लैक जो है वो ब्लैक वाले से कनेक्ट करना है। पावर कट ऑफ करने के लिए मैंने जो मेन वायर है उसको इस कट ऑफ स्विच से कनेक्ट कर रहा हूँ। जो कि मैंने कर दिया है, अब इस पर टेप लगा देते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है पावर का ही, वो मैं रेड वाले से वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मोटर का भी रेड वाला वायर कनेक्ट होगा, तो ये हमारा रिले बन गया है, कट ऑफ बन गया है। तो ये हमारा रिले तैयार है। अब हम ब्लैक वायर, वाइट वायर और इस दूसरे अडैप्टर वाले वायर को तीनों को कनेक्ट करेंगे और हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। अब हम इसे ट्राई करेंगे, पावर कोड को पावर सप्लाई में लगाकर देखते हैं हमारा एटलीस्ट मोटर चलना चाहिए। यस, चल गया, देखिए। अब हम इस अडैप्टर को अंदर रखेंगे और उसके बाद अब हम इसका बैक कवर फिक्स करेंगे। कुछ नहीं करना है, हमने वायर को ऐसे निकालना है। नीचे दो हुक हैं, उन्हें उनके प्लेस में लगाना है, इस तरीके से पुश करना है और ये जो दो नट्स हैं उनका हमें टाइट, स्क्रूज को हमें टाइट कर देना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम होम सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं अपने आरओ की। मेरा इसमें पूरा का पूरा खर्चा मात्र 1000 रुपये आया। 1000 रुपये में मैंने अपने आरओ की फुल A to Z सर्विस करी। ये आरओ अब बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने आरओ की घर में ही सफाई कर सकते हैं। आप आरओ के किट चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये डॉल्फिन वाला आरओ था, पर मैं बोलूँगा आपको कि सभी टाइप के आरओ की सर्विस ऐसे ही हो सकती है घर पर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं और आपके पास थोड़ा समय है तो आप इसे कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।